अब हेडलाइंस के बाद वक्त हो गया है उन खबरों के बारे में जानकारी आपको देने का जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। हमारी खास तौर पर नजर इन सभी खबरों पर बनी रहेगी। तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी होंगी। सबसे पहले बात आपातकाल की करेंगे और बताएंगे कि 50 साल पूरे होने के दौरान अब देश में क्या क्या बदल चुका है। फिर बात होगी पेपर लीक मामले की और उन माफियाओं की जिनके पीछे सीबीआई अब हाथ धोकर पड़ी हुई है। आपको बताएंगे कि जांच का कौन सा सिरा पकड़कर सीबीआई पेपर माफिया तक पहुंचने वाली है और तमाम कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बाद बात होगी पाकिस्तान के उस बड़े कबूलनामे की जिसमें उसने पहली बार ये कबूल किया है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कत्लगाह है। ये वो सभी खबरें हैं जिन पर हमारी आज नजर रहने वाली है। तो ये खबरें आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात आपातकाल की होगी, फिर बात होगी सीबीआई जांच की। अब दायरा बढ़ चुका है, टीम पहुंच चुकी है गुजरात गोधरा और वहां पर हो रही है जांच। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं, रॉकी का नाम सामने आया। इसके अलावा आर भारत की टीम मुखिया के घर भी पहुंची थी और बातचीत भी की गई थी। आपातकाल के 50 साल को लेकर भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, आपातकाल के 50 साल पूरे होने के बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने संबोधन के दौरान शुरुआत करते हुए इस पर बातचीत भी की थी। जानकारी आपको महिमा देंगी। बिल्कुल, शुक्रिया प्रगति। देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आपातकाल की। आपातकाल की बात करते हैं और 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। देखिए क्या हुआ था 50 साल पहले, वो आपको बता रहे। 20 सूत्री कार्यक्रम की आड़ में आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया था और चुनाव संबंधी नियमों को संशोधित भी किया था। कई लोग जेल भी गए थे। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बनाया था। इंदिरा के कई मंत्रियों ने आपातकाल का उस दौरान विरोध भी किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनको जेल में डालता और विरोध करने वाले मंत्रियों को मंत्रालय से निकाला भी गया था। रातों रात विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि एक बार रक्षा मंत्री ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की गिरफ्तारियां उस दौरान हुई थी और इसके अलावा संसदीय दल के सचिव की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो ये आपको बता रहे हैं कि 7 दिन में करीब 15,000 लोगों को उस वक्त जेल में डाला गया था। तो इसी का जिक्र आपने देखा कि संसद सत्र की शुरुआत हुई, पहला दिन था और उस दिन आपने संबोधन में सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल का जिक्र किया था और क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी आपने सुना था। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट हम आपको बताएंगे।